अभिनेता सनी देओल 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। उन्होंने खुद इसका ऐलान किया है। उनकी जगह अब बीजेपी गुरुदासपुर से नया प्रत्याशी उतारेगी। सनी ने आखिर क्यों की ऐसी घोषणा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर के बाद में। फिल्म गदर 2 की सफलता के बाद फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल इन दिनों चर्चाओं में है। उन्होंने ऐलान किया कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल की तरफ से कहा गया है कि राजनीति में उनका मन नहीं लगता, इसलिए वो आगे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में सनी देओल ने कहा कि अभिनेता बने रहना ही उनका पहला चुनाव है। वो जिस सोच के साथ राजनीति में आए थे वो सारे काम वो अभिनेता रहते हुए भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वो देश सेवा करे और वो कर रहे हैं। एक साथ कई काम किए जाना वो संभव नहीं है, इसके लिए उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। वही सनी देओल ने कहा कि एक्टिंग की दुनिया में उनका जो दिल करे वो कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में अगर कुछ कमिट किया जाए और फिर मैं उसे पूरा न कर पाऊं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपको बता दें कि गुरुदासपुर लोकसभा सीट से सनी देओल बीजेपी से सांसद है। बीजेपी के लिए यह सीट बेहद अहम मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।